हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास आचार्य श्री रजनीश की एक बड़ी सुंदर कहानी है, इसे आप लोग जरूर सुनिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आचार्य श्री रजनीश की पुस्तक है ये संतो मगन भया मन मेरा। उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि हमें आँखें खोलने में डर क्यों लगता है। ओशो हमेशा कहते थे, अपनी आंखें खोलो, देखो जो तुम्हें भ्रमित किए दे रहा है, जो तुम्हें सुंदर दिखाई पड़ रहा है वह सब सुंदर नहीं है, न कुरूप है, बस जागरूक हो जाओ और आंखें खोलो। एक मुल्ला नसरुद्दीन की छोटी सी कहानी सुनाई थी, उसको सुन लें, फिर उसके बाद नाई की कहानी मैं शुरू करता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन सपने देख रहा था, किसी ने उसे 99 रुपये दिए, उसने गिने 99 रुपये थे। तो मुल्ला ने कहा, भाई जब 99 रुपये दे रहे हो तो 1 रुपये और दे दो, 100 हो जाए। अब ये 100 का चक्कर बड़ा अलग ही है, लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं लोग क्यों 99 से राजी नहीं होते, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। तो उसने कहा, भैया 100 रुपये दे दो जब 99 दे रहे हो, 1 और दे दो, 1 में क्या कम हो जाएगा। तो उसने कहा, नहीं 99 हो दूंगा। तो इस तरीके से मुल्ला नसरुद्दीन उससे झिकझिक करने लगा, तब से उसकी आंख खुल गई मुल्ला नसरुद्दीन की। अब मुल्ला नसरुद्दीन को तो बड़ा दुख हुआ कि 99 मिल रहे थे, 99 ही सही। फिर उसने झट से आंखें बंद कर ली और उसने कहा, भैया चलो 98 दे दो, 50 दे दो, 20 ही दे दो, इस तरीके से कहने लगा। इसी तरह मानव का मनुष्य है, वह जाने क्यों जो उसे पास होता है उससे राजी नहीं होता। तो ये कहानी अब मैं आपको शुरू करता हूँ, 99 का चक्कर। ओशो कहते हैं कि इसीलिए तो हमें आंख खोलने में डर लगता है, कहीं सपना टूट न जाए। तुम 99 को 100 करने में लगे हो, सपने का यही अर्थ होता है। 99 को 100 करने में जो लगा है वह सपने में है, और 99 100 नहीं होते, 99 कभी 100 नहीं होते, 99 99 ही रहते हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हें मैं एक कहानी कह दूं तो ख्याल में आ जाए। एक सम्राट की मालिश करने वाला नाई रोज रोज आता है, सुबह घंटे 2 घंटे सम्राट की मालिश करता है, पुरानी कहानी है। उसे 1 रुपया रोज मालिश का मिलता, उन दिनों 1 रुपया बहुत था, खुद खाता है, पड़ोस के लोगों को खिलाता है, मस्त है। सम्राट भी उसकी मस्ती से ईर्ष्या करता है और कोई काम नहीं, 2 घंटे मालिश कर लिए, दिन भर मुक्त, फिर बांसुरी बजाता है। वही सम्राट के सामने रहता है, उसकी बांसुरी की आवाज सम्राट को भी कभी कभी सुनाई पड़ जाती। उसके घर में हमेशा हंसी के फव्वारे छूटते रहते हैं, मित्र इकट्ठे होते हैं, भांग छनती है, गीत उठते हैं, ढोलक पर ताल पड़ती है, बांसुरी बजती है। फिर दूसरे दिन सुबह आकर 2 घंटे मेहनत कर जाता है और फिर निश्चिंत हो जाता है। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि मेरे पास सब है, मगर मैं इतना निश्चिंत नहीं, न मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, फुर्सत कहाँ, न मैं हंस सकता हूँ इसके जैसा, इसके पास कुछ भी नहीं है। वजीर ने कहा, यही तो झंझट है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, यह अभी चक्कर में नहीं पड़ा है, आप घबराएं ना, आपकी ईर्ष्या मैं मिटा दूंगा, मैं इसको कल ही चक्कर में डाले देता हूं। कितनी अजीब बात है, सही बात है। रात में वह गया और 99 रुपये की एक थैली रखकर उस गरीब के घर में फेंक आया। अब देखो नाई का चक्कर यहां से शुरू हुआ। सुबह उसने आंख खोली, 99 रुपये गिनती की, एकदम 99, बस 100 का चक्कर शुरू हुआ। उसने कहा, आज जो रुपए मिले आज रबड़ी नहीं खरीदी जाएगी, आज भांग नहीं छनेगी, एक ही दिन की तो बात है, 1 रुपया बच जाएगा, 100 हो जाएंगे, 100 पूरे हो जाएंगे। ओशो कहते हैं, यह आदमी का मन कुछ अजीब पागल है, 99 से पता नहीं क्यों राजी नहीं होता, 100
100 पूरे हो जाएं। अच्छा 100 पूरे हो जाएं तो करेगा क्या? 99 तो हैं, लेकिन सही बात है उससे राजी नहीं। उस दिन न तो बांसुरी बजी, न मृदंग पर ताल पड़ी, न मित्र आए, न हंसी के फव्वारे छूटे। भूखा प्यासा आदमी क्या हंसी का फव्वारा छूटे। वह कल की राह देख रहा है, यह 1 रुपया यह तो मिला है तो 100 कर लिए। सम्राट ने वजीर से कहा, क्या किया भाई, हद कर दी, आज कहां गया नाई, क्या हो गया उसको? वजीर ने कहा, अब कभी हंसी न उठेगी और अब कभी बांसुरी न बजेगी, आप फिक्र न करें, आप जल्दी ही देखेंगे कि इसकी हालत खस्ता होती जाएगी। और उसकी हालत खस्ता होती चली गई, क्योंकि जब 100 हो गए तो फिक्र उसको लगी कि अगर ऐसे बढ़ते चले जाएं तो 200 हो सकते हैं। 100 तो हो ही गए, आधे तो हो ही गए, अब 200 होने में कितनी देर लगेगी। तो रोज अगर बचाऊं और रूखी सूखी खा लूं, दोस्तियां छोड़ दी उसने। इसीलिए तो ओसो कहते हैं, धनपति दोस्ती नहीं करते। गरीब की दुनिया में दोस्ती होती है, गरीब की दुनिया में दोस्ती जो होती है वो गरीब की दुनिया में होती है। अमीर की दुनिया में दोस्ती कहाँ? अमीर की दुनिया में सिर्फ व्यावसायिक नाते रिश्ते होते हैं, व्यावसायिक संबंध होते हैं, दोस्ती नहीं होती, मित्रता नहीं होती। क्योंकि कौन खर्चा ले, कौन झंझट ले, अमीर देने में डरता है उसके पास मगर देने में डरता है, और गरीब के पास कुछ नहीं है इसलिए देने में डरता ही नहीं। वैसे ही कुछ नहीं है, अब और क्या ले जाओगे? मगर अब इसके पास 100 रुपए थे और मुसीबत हो गई, और दिन में 2-4 बार जाकर टटोल कर अपने रुपए देख लेता था, और डर भी पैदा होने लगा कि कहीं कोई चोर को पता चल जाए, घर में इतने आदमियों का आना जाना ठीक नहीं है, आना जाना लोगों का बंद करवा दिया, खुद भी यहां वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि घर से बाहर जाए अकेला ही आदमी था, कोई चोर घुस जाए, कुछ हो जाए, कोई ले जाए, तो रात भी सोता था तो वो निश्चिंतता न रही, चिंताएं आए, रात में एकाध दो दफे उठकर जाकर देख ले कि सब ठीक ठाक है। कहते हैं सूखने लगा वह, 15 दिन में ही उसकी हालत खराब। सम्राट ने पूछा कि भाई तुझे क्या हुआ है, कहाँ गई तेरी रौनक, कहाँ गया तेरा रस, तेरी मस्ती? यह वजीर ने क्या किया तेरे साथ? उस आदमी ने कहा, वजीर ने? और वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा। जो नाई था अब उसकी समझ में आ गया जब राजा ने कहा कि वजीर ने क्या किया तेरे साथ, तो वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा अब मैं समझा, तो यह वजीर की शरारत है, वह तो मुझे मार ही डालता, अच्छा हुआ बता दिया आपने, मुझे 99 के चक्कर में डाल दिया था। तो दोस्तों ओसो कहते हैं 99 का चक्कर यही है, वह एक सपना है। ओसो कहते हैं, तुम पूछते हो, आप आंख खोलने के लिए कहते हैं, मगर आंख खोलने में इतना भय क्यों लगता है? इसीलिए कि आंख बंद है तो तुम्हारा सपना सच मालूम होता है। तुम आंख खोलकर देखोगे तो जिसके प्रेम में मरे जा रहे थे पाओगे वहां कुछ भी नहीं, हड्डी मांस मज्जा है। आंख खोलकर देखोगे तो जिस पद के लिए दीवाने हुए थे वहां कुछ भी नहीं है, ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाने का रस छोटे छोटे बच्चों जैसा है, जो कूड़े कचरे के ढेर पर चढ़ जाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं कि मैं ही सबसे ऊंचा हूं। धन्यवाद दोस्तों।